दोस्तों, मेरा ये जो हिंदी चैनल है इसमें एक प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेरा हिंदी जो है ना वो अच्छा नहीं है, इसलिए इस चैनल पे मैं मतलब वीडियो डालना थोड़ा 3 महीने से डाल ही नहीं रहा। ये उरिंगम भाई है, भाई मेरा हिंदी अच्छा नहीं है ना। हमारा हिंदी ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, इसने बोला, इसने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं फिर से आज एक वीडियो इस हिंदी चैनल में डालने वाला हूँ जो 3 महीने से सो रहा था। तो चलो चलो, मतलब कहाँ चलो, चलो वीडियो बनाने के लिए। तो चलो, ये मेरा गुवाहाटी का घर नहीं बोल सकते, इसको रूम है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बसाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब वही है। चलो, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ना जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब गुवाहाटी में, इस कॉम्प्लेक्स में अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि सब लोग घर गया है। यहाँ पे हॉलीडे चल रहा है ना, बिहू है इसलिए। और ये रहा मेरे बाइक, और एक बात, इस बाइक का सार हो गया। मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे इस बाइक को सेंस करूँ, कौन सी लूँ, हंटर। नहीं, मुझे मतलब ऐसे ही बाइक चाहिए, ऐसा मतलब स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। मैं वो स्क्वीज बाइक, रॉयल एनफील्ड जैसा बाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मतलब स्पोर्ट्स मैन ना, थोड़ा स्पोर्ट्स में भी नेकेड स्पोर्ट्स चाहिए, ये फाइजर मुझे पसंद नहीं है। तो अभी चलो भाई, एक दुकान में हम लोग जाएंगे। दुकान मतलब है गेमिंग का, वो SR प्रीडिएटर है ना, गेमिंग लैपटॉप, और जिसमें सबसे बड़ा जो शोरूम है गेमिंग लैपटॉप का, आज ओपनिंग हो रहा है। मेरे को मतलब बुलाया मिठाई खाने, ओपनिंग करने के लिए, इसलिए जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसे क्या मैं हिंदी वीडियो बनाना फिर से शुरू कर दूँ। पहले दो एक बनाया था, बहुत सारा गाली आया था, लेकिन इस वीडियो की नीचे भी गाली मिल जाए तो बनाना बंद कर दूंगा। अगर अच्छा कमेंट मिल जाए तो बनाऊंगा। तो कोई गली मोहल्ले के अंदर से ये भाई लेके जा रहा है। ऐसे ही कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है, और हम लोग पहुंच गया एशियन मॉल में, इनोवेशन की तरफ से जो SR PDA गेमिंग लैपटॉप का शोरूम है ना। तो हम लोग जल्दी पहुंच गया, अभी रेडी नहीं हुआ है, तो ऊपर जाके थोड़ा बैठ लेते हैं। भाई, दुकान ओपनिंग करने से पहले एक बात बोलता हूँ, अगर आप लोग PC में गेम नहीं खेलते तो गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में शायद आपको मालूम नहीं है। अमेरिका में जितना पैसा हॉलीवुड मूवी और म्यूजिक मिलके कमाता है, उससे ज़्यादा पैसा गेमिंग इंडस्ट्री कमाता है। इतना बड़ा, मतलब बड़ा है, हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, छोड़ दो। और इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा हो रहा है और हो चुका है, इसलिए तो ये सब मतलब गेमिंग स्टोर ओपन किया है। ये एक है, नीचे एक होने वाला है, नीचे में मैं जाकर ओपनिंग करूँगा। तो SR की तरफ से ऐसा 3 ही इंडिया में शॉप है, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में, और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ यहाँ। सो एक्सक्लूसिवली गेमिंग और SR जो लैपटॉप है उसके लिए है यह। तो हो गया ओपनिंग, अभी मतलब मैं थोड़ा तो सबसे अच्छा लगा इसका इंटीरियर भी दुकान का, ऊपर में मतलब वो जो प्रोसेसर होता है ना लैपटॉप के अंदर, उसका हिसाब से ये बनाया गया है, 2 प्रोसेसर लगाया गया है रूम में। तो हो गया ओपनिंग भाई, अभी खाना पीना जिसके लिए भाई आया है मेरे साथ मतलब। लेकिन हम लोग तो गेस्ट है ना, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो ये मतलब वो लेके स्पेशल गेस्ट है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मतलब नॉर्मल कस्टमरों के लिए है, हम दोनों के लिए ऊपर है। चलो, खाने और जाने से पहले दिखा देता हूँ, ये एक लैपटॉप है, ये हार्डकोर गेमिंग के लिए है, ये 2 लाख में आता है शायद, हाँ, इसको मतलब नॉनस्टॉप गेमिंग कर सकते हो आप लोग। ये SR है, SR आया है कोलकाता से, SR की तरफ से। गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहते हो? गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ऐसा है कि गेमिंग इज द फ्यूचर फॉर IT। अभी क्या है कि अभी जो नया जो जनरेशन है, जनरेशन X, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गेमिंग नोटबुक। लोग थक जाते हैं काम करते करते, सोचते हैं थोड़ा गेम्स भी खेल लें। सो पीपल आर नाउ प्रेफरिंग कि लेट्स हैव अ गेमिंग नोटबुक। तो हो गया सब कुछ, खटम खाना पीना, और अभी मैं एक बाइक चलाऊंगा, सुपर बाइक। हो गया सब कुछ यहाँ पे, मतलब 25,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक लैपटॉप मिलेगा, और आपके पास अगर पुराना लैपटॉप है उसको उसके साथ एक्सचेंज करके ये ले सकते हो। तो ये रहा GS रोड, और सिर्फ SR नहीं, आपको कोई भी लैपटॉप हो, ये रहा एक दुकान, ये रहा एक दुकान। मतलब ये लैपटॉप हेवन है, लैपटॉप चाहिए तो एशियन मॉल आ जाओ, या मिलेगा जो लैपटॉप चाहिए वो मिल जाएगा भाई। अभी जाने से पहले एक मतलब किस क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, बितलना खा लेता हूँ जो भी है। चलो, और रास्ते पे मिला ये ईशान भाई का एक मतलब बहुत ही जबरदस्त बाइक है, ZX10R। भाई तू जापान से लेके आया है क्या डायरेक्ट इसको? नहीं, एग्जिस्टिंग का है, लेकिन जापान से ये बन गया है, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल। ओके, कितना साल हो गया ये? 2016 मॉडल है। ओके, ZX10R मतलब 1000 CC का बाइक है। एक बार देखता हूँ।
तो चलो आज ट्रैफिक जाम भी नहीं है तो इसको एक बार उड़ा के आते हैं। मतलब एक ड्रीम है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार सलाह के आता हूँ लेकिन मेरे पास GoPro नहीं है, इसका इसके लिए रास्ते का व्यू नहीं दिखा सकता। ओ भाई कने तो मैं क्या बोलूँ, जो अंदर तक मतलब जो सोता है ना ये बाइक दे सकता है।